नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आज अपनी ओटी में। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को LSCS का जो सेट है तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी यदि सिजेरियन सेक्शन आता है तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो कि गांव में बोलते हैं कि बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। तो हाँ जी, मेरी बड़े ऑपरेशन में ड्यूटी लगती है, तो मैं आज आप लोगों को, अभी केस आने वाला था तो इससे पहले मैं ट्रॉली लगा रही थी, तो मैं सोची कि आप लोगों को बता दूँ, तो इससे बहुत से बच्चों को नॉलेज हो जाएगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ और उसका यूजेस भी बताऊँगी, और ये आपको पता चलेगा कि जो LSCS होता है, LSCS का फुल फॉर्म है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, कि ऑपरेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या औजार का यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट या कितने औजार लगते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी और आप लोग देखते जाइएगा और सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुलनेस है। तो चलिए गाइस, लेट्स गो। तो सबसे पहले कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये है 6। 6 का बंच होता है पूरा, तो 5 6 7 8 9 10 11 and 12 13 13 14 15 16 18 and 19, तो इतने टोटल होते हैं। और दो सीजर हम अलग से रखते हैं, तो मैं आपको अभी बताती जाऊंगी कि क्या क्या यूज होते हैं। तो ये इतने पूरे का एक सेट बनता है जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट साथ में रहते हैं, और जब कोई भी ऑपरेशन आता है तो इसको हम ओपन कर देते हैं, जो कि स्टलाइज रहता है, तो ये भी स्टलाइज है। इसको वॉश करते हैं, इसके बाद बॉयलर में डालते हैं थोड़ी देर स्टीम होने के लिए, इसके बाद में हम इसको स्टलाइजेशन यूनिट भेजते हैं। तो आते हैं सबसे पहले, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम स्पंज होल्डर। तो हाँ जी, स्पंज होल्डर दो होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, पीछे राउंड राउंड सा शेप बना रहता है, और इसको इस तरीके से ओपन किया जाता है जिसमें से ये डॉटेड रहते हैं, और इसमें से इसको इस तरीके से हम इसको टाइट करते जाते हैं और ये पूरा लॉक हो जाता है। अब इसको ओपन करते हैं तो हल्का सा हम इसको इस तरीके से ऊपर उठाते हैं और ये ओपन हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से स्पंज होल्डर होता है जिसमें से ये कुछ ऐसे खांचे बने रहते हैं और ये ओवल शेप में ऐसे इस तरीके से होता है। तो ये होते हैं दो, इनको बोलते हैं स्पंज होल्डर। इसका यूज होता है जब भी हम कभी पेन ड्रिप करते हैं पेशेंट में, जब बीटाडीन से हम क्लीन करते हैं या स्प्रिट से क्लीन करते हैं, सेवलॉन से क्लीन करते हैं, तो एक स्पंज लेके जिसका हम स्पंज बनाते हैं कॉटन से, उसको इस तरीके से पेन ड्रिप करने के लिए यूज में आता है। एनेस्थीसिया के लिए भी पेन ड्रिप को क्लीन करते हैं, हम उस पार्ट को क्लीन करते हैं जहाँ से हमें सीजर करना होता है, तो इसलिए ये किसी भी प्रकार की सर्जरी में यूज होता है सब, क्योंकि जब भी हम सर्जरी करते हैं उस पार्ट को हमें क्लीन करना रहता है, तो उसमें ये यूज किया जाता है। इसका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ये है, इसको बोलते हैं नीडल होल्डर। ये है नीडल होल्डर, ये देखिए इसमें भी इस तरीके से लगा रहता है टीथ जैसा, और इसमें ये आके फंस जाता है, इस तरीके से इसको लॉक करते हैं, ये देखिए पूरा लॉक हो गया, और इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से बना रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसको निडिल को होल्ड करते हैं, निडिल को होल्ड करके स्टेसिस लगाते हैं इस तरीके से। कोई भी पार्ट जब ओपन हो जाता है, ओपन करने के बाद में हम उसको सिलते हैं, देसी भाषा में बोलेंगे सिलना, तो जो भी हम स्टेसिस करते हैं वो इसके हेल्प से करते हैं या इसकी सहायता से करते हैं। इसमें वाइक्रल लेके या एथेलॉन लेके या क्रोमिक लेके, जिस टाइप से हमारा सूचर है उसी हिसाब से हम इसको स्टेसिस करने के यूज में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं नीडल होल्डर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है नीडल होल्डर। नेक्स्ट ये है टूथ फोर्सेप, इसको बोलते हैं टूथ फोर्सेप। ये है टूथ फोर्सेप, एक आता है नॉन टूथ फोर्सेप, तो वो जनरल सेट में यूज करते हैं। जो LSCS में यूज होता है
तो उसमें होता है टूथ टूथ, ये देखो ये छोटे से दांत जैसे बने, इसलिए इसको टूथ फोर से बोलते हैं। और ये कोई भी स्किन को होल्ड करने के काम में आता है। जब भी हम कभी भी स्किन की लेयर को किसी भी प्रकार से हमें उसको ऑब्जर्व करना होता है या असेसमेंट करना होता है, तो इस तरीके से हम स्किन को होल्ड करते हैं और इस तरीके से उसको हम होल्ड करके रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइसेक्टिंग फोर्सेप भी बोलते हैं एंड टूथ फोर्सेप भी बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, टूथ फोर्सेप या डाइसेक्टिंग फोर्सेप। तो नेक्स्ट ये है जो, ये हमारे तीन इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया। ये चौथा इंस्ट्रूमेंट है बीपी हैंडल, इसको बोलते हैं बीपी हैंडल। बीपी हैंडल है इसको, यहाँ से हम ब्लेड सर्जिकल ब्लेड को फंसा लेते हैं। ये अलग अलग उसका आता है, इस ये चार नंबर बीपी हैंडल है, तीन नंबर भी आता है, अलग अलग साइज के ब्लेड आते हैं उसी के हिसाब से ये हमारा बीपी हैंडल भी आता है। 11 नंबर ब्लेड है, 22 नंबर है, 24 नंबर, 23 नंबर, जिस नंबर से हम ब्लेड रहते हैं उसी हिसाब से हम ये बीपी हैंडल का यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बीपी हैंडल, क्योंकि इसमें हम ब्लेड सर्जिकल ब्लेड को इसमें फंसा देते हैं और कोई भी चीरा लगाने के काम में आता है या कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो उसमें कट करने के काम में आता है, तो इसको बोलते हैं बीपी हैंडल। नेक्स्ट हम इसको तो सभी जानते होंगे, ये है आरटी, इसको बोलते हैं आरटी। आरटी कोई भी ओपन पार्ट है या स्किन है या सॉरी यूट्रस है तो उसको हम होल्ड करते हैं, या बहुत ज़्यादा ब्लीडर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, छोटी छोटी सी आरटी वेंस रहती हैं, या कभी कभी फैट या मसल्स भी बहुत ज़्यादा ब्लीड करने लगता है, तो उसको इसके ज़रिए से हम उसको टक कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और धीरे से ये क्लोज हो जाता है। जब हमारे पास कॉटरी नहीं होती है, वैसे तो हम कॉटरी का यूज करते हैं, लेकिन अगर कॉटरी नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे। और इसके कई सारे यूजेस हैं, जब भी हम अगर यूट्रस में, यूट्रस की जब पेरिटोनियम लेयर को ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम दो एलीज लगाते हैं, और जब बेबी डिलीवर्ड हो जाते हैं तो उसके जो अम्लाइकल कार्ड होती है उसमें हम दो जगह से क्लैंप कर देते हैं। ये क्लैंप करने के काम में आती है, एक यानी कि सपोज डेट यहाँ से ये इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो यहाँ से भी हम क्लैंप कर देंगे और इधर से क्लैंप कर देंगे और बीच से इसको कट कर देंगे, जिससे कि जो भी उसका ब्लड है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और कोई भी दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट क्या है, ये है हमारी एलीज। एलीज तो आप जानते हैं, हम जब भी यूट्रस को स्टिचेस करते हैं या यूट्रस क्लोज करते हैं तो जो भी ब्लीडिंग वगैरह होती है तो हमें ये यूट्रस के कटिंग के पार्ट को इस तरीके से क्लैंप कर लेते हैं और वो हमें सेपरेट होके मिल जाते हैं और अच्छे से स्टिचेस कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं आर्टरीज, इसको बोलते हैं एलीज। एलीज हमें सिक्स का बंच बांधते हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसको भी आप देख रहे हैं कि जब एंगल लग जाता है, पूरा यूट्रस क्लोज हो जाता है, तो फिर इस तरीके से इसको हम वहाँ से ओपन कर लेते हैं, हटा लेते हैं। मान के चलिए कि ये हमारा क्लोज हो गया, ये हमने अपने यूट्रस को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है और यहाँ से हमने स्टिचेस कर लिया, तो इसको हम यहाँ से ओपन करके हटा देंगे और इस तरीके से रख लेंगे। तो इस तरीके से हमें सिक्स का बंच चाहिए होता है। यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं केस तो हमें सिक्स का बंच और लगता है। अलग अलग सर्जरी में या सिजेरियन में अलग अलग टाइप से या कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से या पेशेंट के हिसाब से हमें और की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट इसको आप जानते होंगे, ये है डोमिनेंस रिटेक्टर। इससे क्या होता है, हम रिटेक्ट करते हैं जिससे कि बेबी अच्छे से आउट हो जाए और अच्छे से जो भी यूट्रस की लेयर है वो सेपरेट हो जाए, इसलिए हम इसको क्या इसको बोलते हैं रिट्रैक्टर, क्योंकि ये स्किन को रिट्रैक्ट करने के काम में आता है, डोमिनेंस रिट्रैक्टर बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट, और हमें ज़रूरत पड़ती है दो सीज़र, सीज़र के भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये दो सीज़र लगता है, जो कि होता है एक ये है, एक होता है टिशू कटिंग, तो ये है हमारा टिशू कटिंग जिससे कि हम सर्जरी में यूज करते हैं या सिजेरियन में यूज करते हैं। और नेक्स्ट है ये हमारा सूचर कटिंग, जो भी सूचर कटिंग के काम में आता है, जो भी जिससे हम सिलते हैं
धागे जो होते हैं उनको बोलते हैं सूचर। तो ये एक होती है सूचर कटिंग, एक होती है टिश्यू कटिंग। तो और भी बहुत सारा सामान लगता है ट्रॉली में। तो फ्रेंड्स बस ओनली मैंने अभी आपको इंस्ट्रूमेंट बताया है कि आपको इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। तो LSCS में इतना इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, और भी यूज होता है, जो भी एक होता है ग्रीन आर्मिटेज, बट वो बहुत ही ज़्यादा कम यूज होता है, इसलिए हमारे यहाँ तो सिर्फ इतना ही यूज होता है। तो ये है रिटेक्टर, एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ये डोमिनेंस रिटेक्टर, एलिस का 6 बेंच एंड आरटी का 6 बेंच, और सीजर 2, टिश्यू कटिंग एंड सूचर कटिंग। नेक्स्ट है बीपी होल्डर, ये है डाइसेक्टिंग फोरसेप एंड थंब फोरसेप, ये है नीडल होल्डर, एंड ये है आपका स्पंज होल्डर। तो आपको पूरा अच्छे से काउंट हो गया और आपको पता चल गया। तो फ्रेंड्स ये इसलिए अभी मैं तुरंत वॉश करके लेके आई थी, क्योंकि ये पड़ा रहता है इसीलिए सीजर को, तो मैंने तुरंत वॉश किया, इसलिए ये थोड़ा सा गीला हो गया है। तो मेरी अभी ड्यूटी थी, तो मुझे लगा कि और केस आने वाला था कि आप लोगों को बता देना चाहिए, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो हम इसको 6 का और आप लोगों को अच्छे से बता दूं, ये एलीज इस तरीके से होती है, जिसमें से इस तरीके से ऊपर से टूथ बने रहते हैं। आई थिंक आपको सही से दिख रहा है कि नहीं, इसमें कुछ ऐसे खांचे जैसे बने रहते हैं और इस तरीके से इसमें स्पेस रहता है। और ये होती है आर्टरी, ये है कर्व आर्टरी, थोड़ी सी कर्व है, स्टेट है मिडिल, एंड छोटी भी होती है, एक मॉस्किटो होती है, जो छोटी सी होती है उसको मॉस्किटो बोलते हैं। तो चलिए अभी तो इतना ही, वरना बहुत तो ऊपर से उड़ जाएगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, तो बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी इमेज दे देते हैं एग्ज़ाम में, और कंपटीशन में भी एग्ज़ाम के कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछते हैं कि इसका नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए एंड यूजेस बताइए। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यूजेस बताया है, कोई इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करी है, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, और फैमिली दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो बाय बाय, थैंक यू।